हेलो गाइस दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? खूब सब बढ़िया होंगे। और अभी कल रात से मेरे साथ एक खतरनाक सीन हो चुका है, जो कि है अपना जो एडमिट कार्ड है वो CVT का, वो निकल नहीं रहा। अगर नहीं निकलेगा तो मैं बालेश्वर भी नहीं जा सकता। तो भाई ये सीन है कि मतलब वो जो एक जो निकला था ना, वो एडमिट कार्ड बोल के मैं बोल रहा था, वो ना उसके नीचे स्पेशली लिखा है कि दिस इज़ नॉट द एडमिट कार्ड। फिर मेरे बाद में मेरे एक दोस्त ने वो भी बोला कि मतलब वो वाला एडमिट कार्ड नहीं है, तो दूसरा एक है वो एडमिट कार्ड है। तो अपना तो निकल नहीं रहा है, तो चलो देखते हैं। मतलब उनके साथ मैं कॉन्टेक्ट किया हूँ, कल रात को मेल वगैरह किया था कि मेरा निकल नहीं रहा है, आज कॉल वगैरह लगाते हैं कि क्या रिप्लाई आता है उनके साइड से, देखते हैं। जब विकास में था उस टाइम में मैंने रजिस्टर किया था, लेकिन उस टाइम में रजिस्टर करने के लिए दो मेल चाहिए था, और एक तो अपना मेरा मेल दिया था और दूसरा मेरे को याद नहीं था, मेरे फ़ोन में सारे मेल थे पर उस टाइम में अपना फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए तो मुझे पता नहीं वो किसका मेल है, क्योंकि मेरे पापा भी बोले थे कि एक अंकल को देता हूँ, शायद वो उनका मेल डाल दिए होंगे, उनके मेल में आया होगा, या फिर मेरे बहन का मेल होगा उसके मेल में आया होगा, पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, नहीं तो उनको कॉल डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या सीन होते हैं। अभी तो ट्यूशन के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं गया नहीं हूँ, और आज रिएक्शन देखते हैं कैसा रहता है। अभी बज रहे हैं एक, और मैं अभी ट्यूशन से लौट चुका हूँ, क्योंकि आज पहला क्लास तो केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री भाई खत्म हुआ, केमिस्ट्री खत्म होने के बाद सेकेंड क्लास जूलॉजी का होता है, पर आज बॉटनी मैम आए। बॉटनी मैम आके भाई 10:30 से लेकर 12:40 तक पढ़ाने लगी 2 घंटा। उसके बाद बॉटनी टीचर, जूलॉजी टीचर शायद एबसेंट थे, उसके बाद फिजिक्स टीचर भी शायद एबसेंट थे, तो वहाँ पर रिसेप्शन में एक मैम बैठती हैं जिन्हें बच्चे लोग, मैं अपना मस्त बैठ के मोबाइल चला रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह देख रहा हूँ, तो बच्चे पूरा चिल्लाते हुए आए। उन्हें पूछे कि मतलब क्लास है, तो उन्होंने बोला ना नहीं क्लास नहीं है, तो मैं अपना यूट्यूब चला रहा हूँ, तो आए तो बोले कि देखो, मैं पूछा क्या हुआ भाई ऐसे क्यों चला रहे, वो बोले क्लास नहीं है, सब बैग पकड़ के सब वहाँ से निकले। मैं ना सबसे पहले निकला क्लास से, पता है उसका रीज़न भी पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर ऐसा हो कि वो ऐसे बोले होंगे कि मैम क्लास नहीं है अब जा सकते हो, फिर 10 में फिर रिसेंटली सर कॉल किए होंगे तो बोले होंगे कि मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बच्चे को मत छोड़ो तो क्लास होगा। तो इसी रीजन से मैं बचने के लिए भाई जल्दी निकल गया, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि अगर निकल मतलब बैठाऊंगा मैम बोली होगी अरे बैठ जाओ, सर कॉल किए थे सर 10 मिनट में पहुंच रहे, तो इसीलिए सबसे जल्दी है उस एरिया से जल्दी बाहर निकलना। मैं भाई बाहर निकला, मेरा और एक दोस्त गए वहाँ पे, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो वहाँ से खाए, तो खाने के बाद अभी वो उस तरफ अपने घर चला गया, मैं अपने घर। अभी भाई तो पसीने से लथपथ भाई, मतलब देख रहे हो गर्मी, मतलब भाई मत बोलो भाई गर्मी के बारे में। और अभी इधर पे अपना खाना वगैरह आ चुका है, तो आज चावल है और ये आलू और करेला का चिप्स, और ये क्या कुछ दाल टाइप का है, तो ये सब है। अभी भाई रेस्ट, फुल पार रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेने के बाद भाई देखते हैं शाम को क्या करेंगे। अपना एक दोस्त भी है, यही आज मुझे कॉल किया था कि भाई अपने मतलब बालेश्वर के पास ही रहता है, भद्रा की एक जगह है, मतलब अपने घर से 1 घंटा का रास्ता है, तो वो कॉल किया था भाई हम इधर पे रह रहे हैं। उसके साथ और एक भी दोस्त है जो कि हॉस्टल में विकास के हॉस्टल में वो भी रहता था, और वो लोग बोले कि अपना क्लास वो लोग आकाश में ले रहे हैं कोचिंग, तो 12:30 से 5 तक उनका क्लास है, तो बोले कभी अगर मिलना हो तो आ जाना भाई। अपना भी सीन ठीक ठाक है भाई, अपने मतलब मैं जहाँ पे रह रहा हूँ भाई सेंटर पॉइंट में रह रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि चारों साइड में मेरे मतलब दोस्त वगैरह हैं, तो आज सोच रहा हूँ अगर जाएंगे उनसे मिलने तो। अभी खैर भाई ऐसे आउटफिट में हूँ, तो अभी इसको चेंज कर दे, चेंज करने के बाद भाई खाना वगैरह खाते हैं, थोड़े रेस्ट लेते हैं भाई फुल पार्क। अभी घर बैठा बैठा भी बोर हो रहा था, क्या करूँ पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा पार्क वगैरह आया, देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। मतलब अब तो पार्क का तो एक टूर भी मेरे चैनल पे पहले पड़ा है, अभी भी वही कुछ अंधेरा है, खाली लाइट वगैरह चला है, देखो 360 व्यू देख लो ऐसे ही, खाली लाइट वगैरह चलता है और कुछ नहीं। आज भी भाई लोग मून कितना सेक्सी लग रहा है भाई, देखो
अभी हो रहे हैं शाम, मतलब शाम बोल रहा हूँ, रात के 10:30 और 11:30 बजे। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि साइड में जो भैया वगैरह हैं वो अभी सो चुके हैं शायद, तो इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो अभी 11:30 हो चुका है और आज के ब्लॉग में ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने लायक था नहीं, तो मतलब ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा ये, तो एडजस्ट कर लेना भाई। मतलब क्या भी रिकॉर्ड करूँ मैं भी, मतलब भाई क्या रिकॉर्ड करूँ क्या नहीं मुझे भी भाई खुद को पता नहीं। तो खैर परसों तो जाने वाले अपन बालेश्वर, तो कल कैसा दिन रहता है वो कल देखने मिलेगा, क्या क्या रहता है क्या नहीं। और वही रहता है कि आज एक आपको बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, सुना कि आज जब मैं ट्यूशन में बैठा था तब अपने केमिस्ट्री टीचर ने बोला कि उनका ना ड्रीम कार है रेंज रोवर लेना। तो रेंज तो उनको ना ये बचपन से ही, मतलब बचपन मतलब 10th class के जब थे तब से वो मतलब उनका ड्रीम है। तो वो कैसे उनको पता चला कि उनके एक मामा थे जो कि अमेरिका में सेटल है, तो वो जब इंडिया आते हैं वो अपना उनका एक रेंज रोवर है तो वो उस रेंज रोवर में आते हैं। तो तब से ना उनको मतलब वो फोटो वगैरह दिखाते हैं रेंज रोवर का और बोलते हैं कि मतलब ये जो गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं, तब ना सर गांव में रहते थे, तो बोलते हैं कि ये गांव वगैरह में ये कोई अफोर्ड नहीं करता ऐसा वैसा। वो सुन के ना उनका मतलब ऐसे थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, तो वो तब से सोचने लगे कि भाई अपने को भी ना एक दिन भाई लेना है रेंज रोवर। तो तब से उनका एक सपना है रेंज रोवर लेने का। अभी तो उनके पास फोर्ड इको स्पोर्ट है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी तक पैसा थोड़ा जमा कर रहा हूँ तो बाद में कभी लेंगे। तो देखते हैं भाई उनकी मतलब वो भी बोलते हैं कि मतलब मेरा भी मतलब बचपन से ऐसा था कि मैं जो भी जॉब करूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता मेरे को, बस इंटरेस्ट है मेरा घर मकान इन सब में इंटरेस्ट नहीं, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है गाड़ियों में, मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है और गाड़ियाँ खरीदना है भाई। जो कि मेरा भी थोड़ा बहुत उन सब में मतलब कार वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सुपर बाइक्स में इतना इंटरेस्ट है। तो भाई मतलब आप सबकी अगर दुआ होगी और भगवान का अगर आशीर्वाद रहेगा तो हम भी फ्यूचर में अगर मतलब अच्छा खासा अपना चैनल चला तो हम भी ले सके सुपर बाइक, अपना एक ड्रीम सुपर बाइक है जो कि मैं जिस दिन लूँगा उस दिन मैं रिवील करूँगा। अभी आपको मैं ब्लॉग में नहीं बता सकता क्योंकि सरप्राइज है भाई, तो अपना ड्रीम बाइक है तो वो एक दिन लेंगे अपन। और रही बात इसकी कि भाई जो भी इस टाइम में जो टीनेजर टाइम बहुत विशेष होता है लाइफ में, कुछ भी ना अपने मतलब अपने आप को साबित करना पड़ता है इस मतलब फेज़ में लाइफ का, इस फेज़ में अपने को साबित करके दिखाओ अपने मम्मी पापा अपने रिलेटिव, जो कि मतलब ऐसे मार्क जब निकलता है ना जो बोलते हैं अरे आपके लड़के का कितना है, हमारे लड़के का 90 आया, आपके लड़की का इतना है उतना है। भाई देखो ये याद रखना कि वो जो ए सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, समझ रहे। तो अपना खुद का कुछ भी करो भाई, अपना जो भी पसंद है आपको वो करो, आपको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है भाई वो चीज़ करो। और मतलब हेटर्स तो वैसे भोगते रहेंगे, बहुत हेटर्स है, हेटर्स की मत सुनो, हेटर्स मतलब ऐसे समझो कि मतलब वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो मोटिवेट हो उन सबसे। और टीनेजर में अपना एक ऐसा बेस बनाओ कि बाद में अपना मतलब बाद में तुम जाके अपने मम्मी पापा अपने रिलेटिव वगैरह को अपना औकात दिखा सकते हो कि भाई जो भी बने आज खुद के दम पे इंडिपेंडेंट बने हैं, इधर तक पहुंचने के लिए किसी का पैर तक नहीं पकड़ा, तो ऐसा तुम इंडिपेंडेंट बनोगे यही बोल रहा हूँ। अगर आप भी इंडिपेंडेंट बनोगे भाई मेरे को भी बहुत खुशी होगी। तो खैर चलो अपना अभी मतलब मैं तो अभी ड्राइंग पेज में हूँ, अपना तो माइलस्टोन कब 1K का माइलस्टोन कब कंप्लीट होगा पता नहीं, तो अपने को भी फ्यूचर में अपना भी ड्रीम बाइक है सुपर बाइक वो भी लेना है। तो अभी तो रात भी बहुत हो रहा है, तो वही बस चलते जाओ भाई, कुछ ना कुछ करते रहो, अपना इंटरेस्ट जिस चीज़ में है भाई उस फील्ड में भाई ग्रो करो, जिस भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है वो भाई करते चलो, रुको मत भाई, जो भी ऑब्स्टेकल आता है भाई रुको मत भाई, मतलब चलते जाओ, समझ लो। वही तो ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा तो नहीं होगा, तो अभी रात भी हो चुका है, कल सुबह ट्यूशन भी जाना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो
ये वाला ब्लॉग को यही एंड करते हैं। तब तक के लिए सब खुश मस्त खाते पीते रहना, अपने तबीयत का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।